नमस्ते एंड वेलकम, आपका स्वागत है स्टडी आईक्यू पीसीएस साथी चैनल में। आप है मेरे साथ सुप्रिया के साथ और आज हम कंटिन्यू करेंगे अपने बायो जियो केमिकल साइकिल्स यानी जैव रासायनिक चक्र में ही। हम किसके बारे में बात करेंगे? सेडिमेंट्री साइकिल्स यानी जो अपनी अवशिष्ट चक्र होते हैं, ठीक है। अब इसके पहले कि मैं आगे का लेक्चर स्टार्ट करूं, मुझे आपसे थोड़े से क्वेश्चंस पूछते हैं, ठीक है, ताकि मुझे ये लगे कि आपने पुरानी क्लास को उतने ही इंटरेस्ट से और उतने ही अच्छे तरीके से सुना है और आपको चीजें याद भी हैं। तो मैंने आपको पिछली क्लास में कुछ नाइट्रीकरण के बैक्टीरियाज, कुछ अनाइट्रीकरण के बैक्टीरियाज, ठीक है, और कुछ मैंने आपको अमोनीकरण के बारे में बताया था। तो आप नीचे कॉमेंट बॉक्स में इन तीनों चीजों के बारे में जरूर मेंशन करेंगे, ठीक है। इससे क्या होगा कि आप मुझे ये बता पाएंगे कि आपने पिछली क्लास से कितना लिया है, कितना सीखा है। और अब हम आते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। देखो, आज का जो आपका क्वेश्चन है वो थोड़ा सा आप मान के चलो कि ज्योग्राफी रिलेटेड है, लेकिन उसपे से प्रीलिम्स में कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। पीसीएस के अपने जो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट के एग्जाम्स होते हैं उसमें कई बार ये क्वेश्चन अटका है, वो है एल्बिडो वैल्यू को लेके, ठीक है। ये आपके ज्योग्राफी का ही पोर्शन है, लेकिन चूंकि आप देखोगे कि मैंने आपको एबायोटिक फैक्टर्स के बारे में पढ़ाया था, है ना, और उसके अंदर हमने लाइट एक फैक्टर पढ़ा था, तो लाइट से ही रिलेटेड है ये एल्बिडो वैल्यू, तो इसके लिए ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे वैलिड बनता है, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि ये एल्बिडो होता क्या है, ठीक है। मैं आपको पता है कि कोई भी जो सरफेस होता है, ठीक है, उस पर जब लाइट पड़ती है तो वो क्या करेगा, या तो लाइट को रिफ्लेक्ट कर देगा पूरा, या लाइट को एब्जॉर्ब कर जाएगा, ठीक है, या फिर लाइट हो सकता है इसमें से पास करके ऐसे बेंड होके यहां से निकल जाए, ठीक है। तो हम ये जो पढ़ते नहीं थे, एब्जॉर्प्शन हो गया, रिफ्लेक्शन हो गया, रिफ्रैक्शन हो गया, तो कोई भी आप देखोगे जो आप साइंस एंड टेक में लाइट के तीन फिनोमेना पढ़ते थे उनमें से कुछ यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। ये जो एल्बिडो वैल्यू है ना, इसका लेना देना है आपके रिफ्लेक्शन से, कि अगर किसी सरफेस पे लाइट पड़ती है, ठीक है, तो उसमें से कितनी जो ऊर्जा है, कितनी जो लाइट है, ठीक है, वो बेसिकली आपकी रिफ्लेक्ट हो रही है, कितनी आपकी वापस जा रही है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आपका लाइट का जो इफेक्ट होता है वो वाला चीज, ठीक है। अब आपको जब तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एल्बिडो वैल्यू, कि अगर आपकी 1% लाइट आई, या सपोज आपने बोला कि 1 यूनिट लाइट गिरी, तो उसमें से कितनी लाइट आपकी वापस चली गई। अब इसके रिस्पेक्ट में मैंने आपको दो चीजें बताई थी और ये मुझे याद है कि मैंने आपको अच्छी तरीके से बताई थी। एक मैंने आपको ब्लैक बॉडी के बारे में बताया था और मैंने एक आपको व्हाइट के बारे में बताया था, ठीक है। मैंने आपसे कहा था कि ब्लैक बॉडी एक ऐसी बॉडी होती है जिसपे अगर लाइट गिरती है तो वो कोई लाइट कहीं जा नहीं सकती, वो सारी खा जाती है, मतलब सारी एब्जॉर्ब कर लेती है। तो अगर इस पे 100% लाइट गिरेगी तो ये 100 की 100% आप देखोगे खा जाएगी, तो इसका मतलब रिफ्लेक्शन कितना हुआ, 0%, तो उसकी एल्बिडो वैल्यू बहुत कम हो गई, ठीक है, यानी जीरो ही हो गई ऑलमोस्ट। फिर एक होता है प्योर व्हाइट, प्योर व्हाइट मतलब प्योर सफेद, वो जो चमचमाता हुआ सफेद नहीं होता, वो वाला जो टाइड से धुलने वाले एड में दिखाते हैं ना ऐसे कि टाइड गया तो एकदम चमचमाती हुई सफेदी, तो वैसा वाला अगर सफेद होता है ना, तो उसमें क्या होता है कि वैसी वाली जो व्हाइट बॉडी होती है उसपे अगर 100% लाइट गिरती है तो वो सारी की सारी रिफ्लेक्ट हो जाती है, 100 की 100% आप देखोगे रिफ्लेक्ट हो जाती है, ठीक है, कुछ भी लाइट जो होती है इसमें अब्सॉर्ब नहीं हो रही है, ठीक है। तो इसकी एल्बिडो वैल्यू क्या हो गई, 100 की 100%, या तो 100% लिख लो या 1 यूनिट लिख लो, बात एक ही है, ठीक है। आप इसको या तो परसेंटेज के टर्म्स में या डेसिमल्स के टर्म्स में या यूनिट्स के टर्म में कैसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। तो अब मैंने जब आपको एल्बिडो का कॉन्सेप्ट समझा दिया, मैंने आपको ये बता दिया कि 100% कहां पे हो रहा है और आप देखोगे 0% कहां पे हो रहा है, ठीक है। अब मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि आप क्या करने वाले हो, आपको मैं कुछ इकोसिस्टम्स यानी पारिस्थितिकी तंत्र बता रही हूँ, जैसे आपका डेजर्ट इकोसिस्टम हो गया, ठीक है, जैसे आपके फॉरेस्ट इकोसिस्टम हो गए, और फॉरेस्ट में भी आपके ट्रॉपिकल वाले हो गए और आपके टेम्परेट वाले हो गए, ठीक है, फिर आपके ग्रासलैंड्स हो गए, तो आप क्या करोगे, फिर आपके ये तीन तो हो ही गए, इसके अलावा यहाँ पे आप लिख सकते हो स्नो कवर्ड एरियाज, ठीक है, फिर यहां पे लिखो क्लाउड्स, एक लिखो यहाँ पे अर्थ और एक लिखो यहाँ पे मून। आपको ये करना है कि आपको अगर इनके एल्बिडो वैल्यूज पता है
तो आप इनको या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब सबसे कम एल्बिडो वैल्यू से सबसे ज्यादा एल्बिडो वैल्यू जिसकी है, सबसे कम रिफ्लेक्शन जो करता है वहां से सबसे ज्यादा रिफ्लेक्शन जो करता है लाइट का, या तो उस ऑर्डर में या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में, कि सबसे ज्यादा किसका है और सबसे कम किसका है, सबसे ज्यादा एल्बिडो से सबसे छोटा। आप जिस भी ऑर्डर में अपना आंसर लिखेंगे वहां पर मेंशन करेंगे कि पहले आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख रहे हो या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख रहे हो, ठीक है। अगर आपको ऑर्डर नहीं भी लिखना है तो भी एटलीस्ट इन सिस्टम्स की आपको एल्बिडो एक रफ वैल्यू पता होनी चाहिए, आपको एक रफ आइडिया होना चाहिए कि डेजर्ट का एल्बिडो ज्यादा होता है या ट्रॉपिकल फॉरेस्ट का, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट का ज्यादा होता है या ग्रासलैंड्स का, ठीक है। स्नो कवर्ड एरियाज का एल्बिडो इन सबसे ज्यादा होता है या इन सबसे कम होता है। अगर हम अर्थ और मून को कंपेयर करें तो इनमें से किसका एल्बिडो ज्यादा होता है, क्लाउड्स का एल्बिडो कहां पे आ रहा है, ठीक है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपके पहले ही पूछे जा चुके हैं और ये बहुत ही स्टैटिक पोर्शन में आता है। ये है तो वैसे आपके ज्योग्राफी का पार्ट, लेकिन चूंकि लाइट एक एबायोटिक फैक्टर होता है तो इसलिए हमने इसको यहाँ पे एक क्वेश्चन के फॉर्म में दे दिया। तो इससे क्या होगा कि आपका कुछ पोर्शन छूटेगा भी नहीं, और जो चीजें आप मुझे लग रहा है कि थोड़ी थोड़ी इंटरसेक्शन में इधर उधर किसी सब्जेक्ट के साथ, वो मैं यहाँ पे आपको क्वेश्चन के फॉर्म में देती चलूंगी। कोई डाउट है तो आप हमसे पूछ ही सकते हैं, तो मैं इसको फिर नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास में जैसे बच्चों का रिस्पॉन्स रहेगा मैं इसका आंसर आपको दे दूंगी, ठीक है। तो ये आपका आज का होमवर्क है। अब हम कहाँ चलेंगे अपने आज के टॉपिक पे, जहां पे हम अवशिष्ट जैव रासायनिक चक्रों के बारे में बात करेंगे, ठीक है, सेडिमेंट्री साइकिल्स के बारे में बात करेंगे। अब चूंकि हम लोग सेडिमेंट्री साइकिल्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो देखो सेडिमेंट्री साइकिल्स क्या होती है, जैसे अवशिष्ट जो चक्र होते हैं वो कौन से होते हैं, जिनमें जो जलाशय होते हैं, रिजर्वॉयर होते हैं, वो कौन होते हैं, वो होते हैं बेसिकली आपकी भूपर पट्टी, आपकी अर्थ की जो क्रस्ट होती है वो आपकी, आप देखोगे जलाशय रिजर्वॉयर का काम करती है, ठीक है। तो इसमें वैसे तो बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे इसका एग्जाम्पल में आप कैल्शियम की जो साइकिल होती है, मैग्नीशियम की जो साइकिल होती है, फॉस्फोरस का जो चक्र होता है, सल्फर का चक्र होता है, ऐसे जितने भी आप ये न्यूट्रिएंट्स ही देखते हो जो सॉलिड वाले होते हैं, ठीक है, जो आपके रॉक्स में आपको फंसे हुए मिलते हैं, वो सारे इसका हिस्सा होंगे, ठीक है। लेकिन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सारे याद नहीं करने हैं, आपको सिर्फ दो चक्रों के बारे में पढ़ाई करनी है। कौन सी है, एक तो है आपका सल्फर का और दूसरा है आपका फॉस्फोरस का। कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सब आप देखोगे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, थोड़ा बहुत सेडिमेंट्री साइकिल्स का यहाँ पे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि ये वो चक्र होते हैं जिनका बेसिकली जो रिजर्वॉयर है, जो जलाशय है, वो कौन सा होता है, वो अर्थ का क्रस्ट होता है, ठीक है। लेकिन एक अच्छा ठीक है, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ, आप वीडियो पॉज कीजिए और बताइए कि उसका आंसर क्या होगा। अगर मैं ये बोलती हूँ कि सेडिमेंट्री साइकिल्स में, यानी जो अवशिष्ट चक्र होते हैं, उसमें जो अपने पोषक हैं, ठीक है, उनका जलाशय तो आपने बोल दिया कि मैम अर्थ का क्रस्ट यानी भूपर पट्टी है, लेकिन इसका मतलब ये है क्या कि वो कभी भी एटमॉस्फेयर में नहीं जाते, कभी भी वायुमंडल में नहीं जाते, तो क्या इन दोनों चीजों का मतलब सेम है? वापस सुन लो क्वेश्चन, क्वेश्चन ये है कि सेडिमेंट्री जो साइकिल्स होती हैं, ठीक है, उसमें जो न्यूट्रिएंट है, चाहे आप कोई भी साइकिल की बात कर रहे हो, चाहे आप फॉस्फोरस की बात कर रहे हो, सल्फर की बात कर रहे हो, कैल्शियम की बात कर रहे हो, मैग्नीशियम की बात कर रहे हो, तो अगर मैं बोल रही हूँ कि कोई अवशिष्ट चक्र है, तो क्या ये हमेशा सही होगा कि अवशिष्ट चक्रों में जो पोषक होते हैं, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो कभी एटमॉस्फेयर जाएंगे ही नहीं, वो सिर्फ भूपर पट्टी पे ही रहेंगे? सोचो, मैंने तो आपको एग्जाम्पल भी दिया है, जिन मैंने आपको पोषक के एग्जाम्पल दिए ना इसके अंदर, जो अवशिष्ट चक्र बनाते हैं, उनके बारे में सोचो, सोचो कि क्या कभी वो और कोई फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं जो हो सकता है कि एटमॉस्फेयर में आपको मिले, जो हो सकता है कि आपको वायुमंडल में मिले। तो मैं उम्मीद कर रही हूँ कि थोड़ा आपने इस पे सोचा होगा, और ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल, मतलब आपस में ऐसा नहीं है कि ये सही है, ठीक है। अगर मैं आपसे सल्फर साइकिल की बात करूं, तो मुझे बताओ, आप एक चीज पढ़ते हो एसिड रेन के बारे में, पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो? एसिड रेन में हम क्या बोलते हैं कि भैया जो आपका सल्फर होता है एटमॉस्फेयर में, वो पानी के साथ मिलके H2SO4 बनाता है, करेक्ट है। इसका मतलब है कि सल्फर जो है वो आपका वायुमंडल में प्रेजेंट है। सल्फर जो है वो SO2 के फॉर्म में, आपका हाइड्रोजन सल्फाइड के फॉर्म में, H2S के फॉर्म में आपको वायुमंडल में मिलता है। तो क्या ये कहना सही है कि जो अवशिष्ट चक्र होते हैं उसमें जो पोषक हैं वो कभी वायुमंडल नहीं जाते? गलत, ठीक है, वो वायुमंडल में पाए जा सकते हैं, बट जैसा हमने कार्बन में देखा था, उसका जो स्रोत है, उसका जो रिजर्वॉयर है, उसका जो जलाशय है, वो कौन सा होगा? वो अर्थ का क्रस्ट यानी भूपर पट्टी होगी, ठीक है। पहली चीज तो ये हो गई। अब जो सेडिमेंट्री साइकिल है, चूंकि आप देखोगे इसके अंदर जो अर्थ की क्रस्ट है वो एक इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है, तो यहाँ पे जो अर्थ पे पड़े हुए रॉक्स होते हैं, ठीक है, और जो अपनी लैंड पे जो प्रोसेसेस होती है, जैसे आपकी वेदरिंग की, ठीक है, अपक्षरण की, आपकी अपरदन यानी इरोजन की, तो ये सारी प्रोसेसेस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आप ऐसे सोचो, आपने सुना होगा कि जो फॉस्फोरस होता है वो जनरली आपको
फॉस्फेट के जो रॉक्स होते हैं ना पत्थर, उसके फॉर्म में मिलता है। अब ये फॉस्फेट जो, देखो फॉस्फेट का रॉक है मतलब जो फॉस्फरस है वो किस फॉर्म में है, PO4 टू माइनस के फॉर्म में है, ठीक है, मतलब इन रॉक्स में, इन पत्थरों में वो इस फॉर्म में मिलेगा आपको। अब अगर मुझे फॉस्फरस निकालना है तो मुझे ये रॉक्स तोड़ने पड़ेंगे, ठीक है, या तो मैं मैनमेड प्रोसेस से इनको तोड़ दूं, या फिर आप देखोगे नेचर या पर्यावरण में क्या होगा, बेसिकली ये जो रॉक्स उनके रोंगे, इनका अपक्षरण होगा, इनका अपरदन होगा, वेदरिंग होगी, इरोजन होगा, ठीक है, इससे ही छोटे छोटे टुकड़ों में जाएंगे, फिर वहां से आप देखोगे फ्लो हो जाएंगे, हो सकता है ये आपके ओशन वगैरह में जाए, है ना, वहां पे आप देखोगे और छोटे टुकड़ों में चले जाएं, और वहां से आप, हो सकता है कि आपका फॉस्फोरस रिलीज हो, ठीक है। तो आप ये देख रहे हो जो लैंड में होने वाली प्रोसेसेस है वेदरिंग इरोजन वगैरह की, ये काफी इंपॉर्टेंट जाती है। वैसे आपके कुछ पत्थर होते हैं उसमें जो सल्फर होता है वो सल्फेट के फॉर्म में होता है और ज्यादा मात्रा में होता है, इसलिए हम बोलते हैं कि ये पत्थर जो है ये सल्फेट रॉक है, यहां से आप सल्फर निकाल सकते हो। तो वही है, या तो मैनमेड प्रोसेस से निकाल लो, या फिर नेचर में क्या होगा, वेदरिंग, इरोजन, रन ऑफ, है ना, ये सारी चीजें इसमें चलती रहेंगी, ठीक है। तो ये आपका मोटा मोटी तौर पे जो सेडिमेंट्री साइकिल्स है ये ऐसे चलती है। अब हम क्या करेंगे, अब हम फॉस्फरस और सल्फर साइकिल को थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे ताकि हमें समझ में आए कि ये चल कैसे रही है, ठीक है। देखो इसके पहले कि मैं आगे बढ़ूं, हम फॉस्फरस को ही क्यों डिस्कस कर रहे हैं, भाई मैं कैल्शियम को, मैग्नीशियम को, इन सबको क्यों डिस्कस नहीं कर रही। देखो फॉस्फरस जो होता है ना, अगर आपको बेसिक अपनी साइंस याद है और आपको पता है कि हमारे जो बॉडी होती है उसमें सेल्स होते हैं, सेल्स में आपका न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में आपके क्रोमोसोम्स और क्रोमोसोम्स के अंदर डीएनए, करेक्ट है। अब आपको पता है ये जो डीएनए होते हैं, है ना, उसमें आपके जो फॉस्फेट्स होते हैं वो होते हैं, ठीक है, फिर दूसरे आपके प्रोटीन्स, अमीनो एसिड्स में भी आप देखोगे कई बार आपको फॉस्फोरस के कॉम्पोनेंट देखने को मिलते हैं। फिर सबसे इंपॉर्टेंट, जब आप माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ते हो, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, ये सेल का वो ऑर्गेनल होता है जिसको हम लोग बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल, जो हम रेस्पिरेशन करते हैं, जहां से एनर्जी रिलीज होती है वो एटीपी के फॉर्म में, ठीक है, जिसमें हम, ये पी क्या है, फॉस्फेट ही है, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया भी जो एटीपी निकाल रहा है, जो एनर्जी करेंसी है हमारे सेल की, तो इसमें भी आप देखोगे आपका फॉस्फरस काम आता है। इसके अलावा आपको पता है जो हमारी सेल की मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसमें भी फॉस्फरस का कॉम्पोनेंट होता है, ठीक है। फिर आपकी ये जो इसके अंदर जो ये फ्लूइड है, प्रोटोप्लाज्म है, इसमें भी आप देखोगे कि फास्फोरस होता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, इवन आपकी जो बोन्स वगैरह होती है उसमें भी फास्फोरस होता है कैल्शियम के साथ। तो आप ये देख रहे हो कि फास्फोरस एज अ न्यूट्रिएंट, फास्फोरस को अगर मैं एक पोषक की तरह देखूं तो वो कितना इंपॉर्टेंट हिस्सा है हमारी खुद की बॉडी का। ये तो मैंने आपको वो एग्जांपल दिया है क्योंकि ये आप इससे रिलेट कर पाओगे, आपकी खुद की बॉडी का एग्जांपल है जिसके बारे में आपने पहले भी बहुत बार स्टडी किया है, है ना। तो ये चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। दूसरी चीज है कि फास्फोरस जो होगा, चूंकि आप देखोगे इसका महत्ता बहुत ज्यादा है, इसलिए हम लोग फास्फोरस की साइकिल को यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस कर रहे हैं। और मैंने आपको पिछली क्लास में एक चीज बताई थी कि जो सेडिमेंट्री साइकिल्स होती है या जो आपके अवशिष्ट चक्र होते हैं उसमें आप जनरली देखोगे कि कुछ हिस्सा जो होता है वो बेसिकली फिक्सेट हो जाता है, वो गायब हो जाता है, वो लॉस हो जाता है। ये पूरी साइकिल्स पूर्ण साइकिल नहीं होती, ये अपूर्ण चक्र होते हैं, क्योंकि इसमें से कुछ हिस्सा जो हो गया कहीं जाके आप देखोगे रॉक्स के अंदर घुस गया और फिर बहुत टाइम तक आप देखोगे उनके अंदर फंसा रह जाता है, ठीक है। तो ये चीजें आपको हमेशा याद रखनी है, क्योंकि फॉस्फोरस को मैंने जब आपको इंट्रोड्यूस भी किया तो मैंने आपको फॉस्फेट रॉक्स के बारे में बताया, तो ये फॉस्फोरस भी कहीं से आया होगा। और चूंकि आप देखोगे वो फॉस्फोरस अभी पत्थरों में आके मतलब फिक्स हो गया, ठीक है, वो वहां पे आके आप देखोगे जम गया, तो पता नहीं ना कि भाई अब वो दोबारा आप देखोगे कि कब आए, है ना, दोबारा आप देखोगे कि कब वो एनवायरमेंट में रिलीज हो, जब ये पत्थर टूटेगा इसमें वो प्रोसेसेस होंगी, फिर ये जमीन के ऊपर आएगा, फिर आप देखोगे फास्फोरस रिलीज होगा, लेकिन अभी कुछ समय के लिए तो फास्फोरस इसमें लॉक हो गया, ठीक है, हमारे चक्र से फास्फोरस थोड़ा सा गायब हो गया, ठीक है, ओके। अब देखो होगा क्या, यहाँ पे सपोज करो कि फॉस्फेट के कुछ पत्थर है, ठीक है, इनका आप देखोगे अपरदन हुआ, अपक्षरण हुआ, ठीक है, इनका वेदरिंग और इरोजन हुआ, उसके बाद वहां से क्या हो जाएगा कि थोड़ा सा फॉस्फोरस अभी के लिए मान के चलो थोड़ा सा रिलीज हुआ, ठीक है। अभी जो फॉस्फोरस रिलीज हुआ है ये हमें भी चाहिए, ये प्लांट्स और एनिमल्स को भी चाहिए, ठीक है। तो प्लांट्स तो आपको पता ही है कि उर्वरक में उनको क्या चाहिए होता है, एनपीके, तो पी में फॉस्फोरस होता है, तो ये क्या होगा कि प्लांट्स थोड़ा सा अब्सॉर्ब कर लेंगे, है ना। तो यहां से आप देखोगे कि प्लांट्स ले लेंगे, फिर उसके बाद क्या होगा, जब प्लांट्स ने लिया तो प्लांट्स वही आप देखोगे प्लांट्स को एनिमल्स खाते हैं, हमने वो फूड चेन अपनी जो खाद्य श्रृंखला थी पूरी पढ़ी थी, उसके थ्रू आप देखोगे ये हायर ट्रॉफिक लेवल्स पे चला जाएगा, ठीक है। और जब ये आप देखोगे हायर ट्रॉफिक लेवल्स पे गया तो कई कई बार क्या होगा, कुछ प्लांट्स और एनिमल्स की डेथ होगी, ठीक है। जब उनका डेथ होगा तो कौन सी प्रोसेस चालू हो जाएगी, आपकी डीकम्पोजिशन की, जब वो वाली प्रोसेस चालू हो जाएगी तो उसमें से क्या होगा, वापस से जो पोषक है, जो न्यूट्रिएंट्स है इंक्लूडिंग फॉस्फोरस, वो वापस से आप देखोगे आपके फॉस्फोरस में कन्वर्ट होकर एनवायरमेंट या पर्यावरण में रिलीज हो जाएंगे,
ठीक है। तो ऐसे आप देखोगे कि आपका फॉस्फरस का साइकिल चलता है। लेकिन आप क्या मुझे एक बात बता सकते हो कि जैसे अभी तक हमने क्या करा था, पिछली क्लास में गैसीय चक्र पढ़े थे, उसके अंदर हमने नाइट्रोजन, कार्बन, वाटर, इन सब चीजों के बारे में पढ़ा था, है ना। और हमने ये देखा था कि इन सभी साइकिलों में आपका जो वायुमंडल है, आपका जो जल मंडल है, हाइड्रोस्फेयर है, ठीक है, और आपका अर्थ का क्रस्ट, ये तीनों चीजों में आप देखोगे ये घूम रहे थे। लेकिन यहाँ पे आपने एक बात नोटिस करी फॉस्फोरस के बारे में कि फॉस्फोरस कभी गैस के फॉर्म में ऊपर गया ही नहीं। देखो आप, वो आया जमीन में, उसका इरोजन वेदरिंग वगैरह हुआ, फिर वहां से आप देखोगे वो वापस से न्यूट्रिएंट्स के फॉर्म में सॉइल में ही चला गया, फिर सॉइल से उसको प्लांट्स ने ले लिया, प्लांट्स के बाद आप देखोगे ट्रॉफिक लेवल्स में वो ऊपर ऊपर जाता गया, फिर वहां पे से किसी की मृत्यु हुई तो डिकम्पोजिशन हुआ, वापस वो सॉइल में आ गया। लेकिन कभी भी आप देखोगे फॉस्फोरस गैस के फॉर्म में रिलीज नहीं हुआ। तो ये बहुत ही स्पेशल कॉम्पोनेंट है एक्चुअली फॉस्फोरस साइकिल का, कि फॉस्फोरस जो होता है ना वो आप देखोगे कभी वायुमंडल या एटमोसफेयर में गया ही नहीं, ठीक है। तो ये एक आप देखोगे बहुत ही इंपॉर्टेंट एक होता है पॉइंट टू बी नोटेड टाइप है फॉस्फोरस साइकिल का, ठीक है। और यही चीज इसको आप देखोगे जो आपकी कार्बन साइकिल, जो गैसीय चक्र होते हैं, उनसे अलग करती है कि भाई इन गैसीय चक्रों में कोई ना कोई फॉर्म आपको मिल जाएगा कार्बन का, हाइड्रोजन का, नाइट्रोजन का, जो वायुमंडल में है, लेकिन फॉस्फोरस का नहीं मिल रहा, ठीक है। दूसरी चीज सबसे यहाँ पे पिक्यूलियर है, जो आपको पता होनी चाहिए, वो है गुआनो के बारे में। अब आप बोलोगे मैम ये क्या है। देखो एक्चुअली ना ये सब आपके करंट अफेयर्स है, ज्योग्राफी में भी आप पढ़ते होगे, लेकिन कभी आपने उतना बस गौर नहीं किया, ठीक है। अब ये बताती हूँ मैं है क्या। तो देखो जब हम वर्ल्ड मैप बनाते हैं, हाँ वर्ल्ड मैप, इंडिया का मैप नहीं बोल रही, वर्ल्ड मैप, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे जैसे आपका ये नॉर्थ अमेरिका हो गया, ठीक है, यहाँ पे आपका साउथ अमेरिका हो गया ऐसे करके, फिर यहाँ पे आपका अफ्रीका थोड़ा ऐसे आ जाएगा, फिर यहाँ पे आपका यूरोप और ऐसे करके, फिर यहाँ पे इंडिया, चाइना और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ये मोटे मोटे तौर पे मैंने एक वर्ल्ड मैप बनाया है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आप है ना अपनी ज्योग्राफी में पढ़ते हो करंट्स के बारे में, ठीक है, जिसमें आप बात करते हो हॉट वाटर करंट्स के बारे में, कोल्ड वाटर करंट्स के बारे में, और उसी में एक करंट होता है जिसको हम बोलते हैं पेरुवियन करंट। ये जो आपका पेरू कंट्री है ना, बेसिकली इसके आसपास जो फ्लो करता है कोल्ड करंट, जो नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, इसको हम लोग पेरुवियन या हम्बोल्ट करंट भी बोलते हैं, ठीक है। और आपने इस करंट के बारे में ये सुना होगा कि जब ये करंट आता है तो यहाँ पे एक प्रोसेस होती है अपवेलिंग, जो हम पिछली क्लास में भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। अपवेलिंग से क्या होता है, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स जो नीचे ओशन में दबे हुए होते हैं वो ऊपर आ जाते हैं सरफेस पे। अब देखो बहुत सारे न्यूट्रिएंट सरफेस पे आ गए, तो क्योंकि न्यूट्रिएंट्स आ गए तो यहाँ पे किस चीज की ग्रोथ होगी, फाइटोप्लैंकटॉन्स की। तो यहाँ पे जो फाइटोप्लैंकटॉन्स आपके एल्गी वगैरह होती है उसकी ग्रोथ हो जाती है। अब जब फाइटोप्लैंकटॉन्स की ग्रोथ हो गई तो मुझे बताओ जो बर्ड्स ऊपर थे, ठीक है, जो ऊपर आप देखोगे ऐसे ही घूम रहे थे, अब उनको दिखा कि नीचे उनके पास फाइटोप्लैंकटॉन्स बहुत है खाने के लिए, तो सडनली क्या होगा कि बहुत सारी बर्ड्स यहाँ पे आने लग जाती हैं। और जो अपने ऐसे होता है ना, आपने देखा होगा कई बार, एक बार आप सर्च करना अपवेलिंग पेरुवियन या हम्बोल्ट करंट की यूट्यूब पे, तो आपको बहुत सारे वीडियोज दिखेंगे इस पे, डिस्कवरी, नेट जियो, ठीक है, इन सब ने आप देखोगे बहुत अच्छे अच्छे वीडियोज बना रखे कि ऐसे बर्ड्स आती है, ऐसे मछली उठा के चली गई, फाइटोप्लैंकटॉन्स उठा के चली गई, ठीक है। क्योंकि फाइटोप्लैंकटॉन्स है तो जूप्लैंकटॉन्स भी होंगे, फिशेज का भी अच्छी मात्रा होगा, और जो बर्ड्स होंगे उनका खाने का भी कंटेंट यहाँ पे अच्छा होगा। अभी जो बर्ड्स ऊपर से आ रही हैं, इनको अपना खाने का सामान मिल रहा है, तो ये क्या करती हैं, बेसिकली आपको पता होगा कि ह्यूमंस हो गए, आपके रेप्टाइल्स हो गए, या आपके अदर एनिमल्स या मैमल्स हो गए, सब लोग क्या करते हैं, एक्सक्रीट करते हैं कुछ मटेरियल अपनी बॉडी से, जो वेस्ट मटेरियल होता है, ठीक है। अब जैसे यूरिन के फॉर्म में भी हो सकता है, वो यूरिक एसिड के फॉर्म में भी हो सकता है, वो सॉलिड यूरिया के फॉर्म में भी हो सकता है। ये तो आपके हो गए नाइट्रोजन के वेरिएंट। वैसे ही जो आपकी ये बर्ड्स है ना, वो आप देखोगे जब ये समुंदर के ऊपर, इतना सब ये पूरा ये पैसिफिक ओशन है, ठीक है, तो इस पैसिफिक ओशन के ऊपर वो चल रही हैं, अपनी खाना उठा रही हैं, जा रही हैं, खाना उठा रही हैं, जा रही हैं, तो वो अपनी बॉडी से कुछ एक्सक्रीट करती हैं, ठीक है। और ये जो एक्सक्रीट करती है ना मटेरियल, इसको बेसिकली हम क्या बोलते हैं, गुआनो, ठीक है। अभी जो ड्रॉपिंग्स होती है ना बर्ड की, ये गुआनो जो होते हैं ये बहुत ही रिच होते हैं फॉस्फोरस में। किसमें रिच होते हैं, ये फॉस्फोरस में, ये एक इंपॉर्टेंट सोर्स होते हैं फॉस्फोरस का, इसलिए आप देखोगे इस रीजन में बहुत अच्छी एक फर्टिलाइजर इंडस्ट्री या उर्वरक उद्योग मतलब उपज के आया है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ये गुआनो की जो बर्ड की ड्रॉपिंग्स हैं, ये फॉस्फोरस से फिर वो लोग क्या करते हैं कि फॉस्फोरस को यूज करके फर्टिलाइजर्स बनाते हैं, समझ में आ गया। तो यूकेडोर, पेरू, चिले, इवन अफ्रीका में भी, जहां पे भी आप देखोगे आपका कोल्ड करंट है, वहां पे भी आपको ये देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये जो गुआनो है, एक तो ये इसका पिक्यूलियर पॉइंट है, और दूसरा मैंने जो आपको बताया कि ये एटमॉस्फेयर में नहीं जा रहा है, ठीक है।
तो यहाँ पे आप देखो जैसे हम हमेशा क्या करते हैं, पहले हम समझते हैं और फिर हम साइकिल यहाँ से बोर्ड से देखते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा कि आपको ये दिख रही है साइकिल, तो इसमें हो क्या रहा है कि आपका फॉस्फेट था रॉक में, ठीक है। अब ये क्या हुआ कि सॉइल में है तो ये इनऑर्गेनिक फॉर्म है बेसिकली। इसके बाद ये पानी में थोड़ा सा डिजोल्व हो गया तो ये सोल्यूशन बन गया, ठीक है। अब ये सोल्यूशन बन के क्या हुआ कि आपका जैसे ये रॉक्स वगैरह जो थे, ये जब आप देखोगे कोई प्रोसेस से, कोई अर्थक्वेक आ गया, कोई अपलिफ्टिंग हो गई, कोई वोल्केनिक इरप्शन हो गया, कुछ भी हो गया, उस वजह से क्या हो गया कि रॉक सरफेस पे आ गया, ठीक है। अब जब ये रॉक सरफेस पे आ गया तो इसका क्या होगा, वेदरिंग होगा, इसका इरोजन होगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, वापस से फॉस्फरस जो है वो थोड़ा सा कुछ पानी में घुलेगा, कुछ मिट्टी में आएगा, और ऐसे आप देखोगे हमारे चक्र का पार्ट बन जाएगा, ठीक है। फिर आप देखोगे ये तो इनऑर्गेनिक वाला फॉस्फरस है जो अपने अजैविक चीजें होती है ना उसमें है। एक होता है ऑर्गेनिक फॉस्फरस जो आपके लिविंग बींग्स होते हैं, ठीक है, चाहे प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स हो, वहां से जो आपका फॉस्फरस आता है तो उसको हम बोलते हैं कि जो फॉस्फेट आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में है, जैसे एनिमल्स में हो गए, प्लांट्स में हो गए, तो एनिमल्स का एक्सक्रीटा वगैरह हो गया, प्लांट्स का कोई डीकम्पोज मटेरियल हो गया, ठीक है। वहां से आप देखोगे जब डीकम्पोजिशन होगा तो वापस से आपका फॉस्फरस सॉइल में आ जाएगा। देख लो इसमें कोई आपको वायुमंडल में दिख रहा है, एटमॉस्फेयर में दिख रहा है आपको फॉस्फरस, नहीं है ना, तो ये वो वाली चीज हो गई। और इसमें जो एक और चीज ऐड हो जाएगी यहाँ पे वो है आपका गुआनो, ठीक है। तो गुआनो से आप देखोगे बहुत सारा फॉस्फरस हमें मिलता है, ठीक है। तो फॉस्फरस से हमें क्या पता लगा कि फॉस्फरस जो आपके एक्वेटिक इकोसिस्टम्स होते हैं, जो आपके लेक्स या ओशंस होते हैं, वहां पे आप देखोगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। लैंड पे आपको पता ही है कि इसकी जो एक्टिविटीज होती है वहीं से आप देखोगे आपको फॉस्फरस फाइनली जो अनलॉक होता है और फिर आपके पूरे चक्र में जाता है, ठीक है। आपको ये भी पता है, मैंने आपको पहले भी बताया था यूट्रोफिकेशन की प्रतिक्रिया के बारे में, मैंने आपको बताया था कि ये वो प्रोसेस है जिसके अंदर जब आपका बहुत सारे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो पोषक होते हैं आपके लैंड से, जब उनका रन ऑफ हो जाता है और वो जब पानी में चले जाते हैं तो वहां पे क्या करते हैं कि इतने सारे न्यूट्रिएंट्स आ गए तो एक्सेसिव फाइटोप्लांकटॉन्स या फिर एल्गी का ग्रोथ हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि एल्गल ब्लूम हो जाएगा, ठीक है। तो फॉस्फोरस जो होता है अगर एक्सेस में हुआ तो ये एक प्रॉब्लम भी है, क्योंकि अगर आपका यूट्रोफिकेशन हो गया, आपका एक्सेस एल्गी ग्रोथ हो गया, तो यहाँ पे क्या होगा, जो बाकी बायोडाइवर्सिटी है वो बेसिकली मर जाएगी, उसको हार्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपकी मोटा मोटी क्या हो जाएगी, फॉस्फोरस साइकिल, ठीक है। ये वही चीजें हैं कि देखो कैसे आपका फॉस्फोरस अक्यूमुलेट होगा, कैसे आप देखोगे वेदरिंग और इरोजन हो रही है, कैसे आप देखोगे जो आपका फॉस्फोरस दबा हुआ है जब आप देखोगे वो ऊपर आएगा सी के फ्लोर से या फिर लैंड में, तब आप देखोगे वापस से ये वाली वेदरिंग जो हो जाएगी उससे वापस से फॉस्फोरस रिलीज हो जाएगा, और ऐसे आपका ये चक्र चलता रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो फॉस्फोरस का चक्र था वो खत्म होता है। अब हम चलते हैं अपने आज के लेक्चर में आखिरी टॉपिक की तरफ, जो है आपका सल्फर साइकिल। क्या है वो आपका सल्फर साइकिल, यानी सल्फर का चक्र, ठीक है। अब ये सल्फर साइकिल या सल्फर का चक्र क्या होता है वो समझो, और हम सल्फर के बारे में ही क्यों बात कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि हमें फॉस्फोरस के बारे में ही क्यों बात करनी पड़ी, भाई हमने कैल्शियम और मैग्नीशियम क्यों नहीं लिया, इसका मतलब ये नहीं है कि कैल्शियम और मैग्नीशियम हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं यहाँ पे रिलेटिव इंपॉर्टेंस की बात कर रही हूँ, समझ में आ रहा है। मैं ये नहीं कह रही कि कोई चीज बिल्कुल ही अनइम्पॉर्टेंट है और कोई चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं यहाँ पे ये बोल रही हूँ कि भाई कोई चीज जो है उसकी कितनी महत्ता है उसके हिसाब से हम वो चीजें पढ़ेंगे। सब नहीं पढ़ना है, हमें पीएचडी नहीं करनी है, हमें डॉक्टरेट नहीं हासिल करना है, हमें सिर्फ अपने एग्जाम रेलिवेंट चीजें पढ़नी है। तो अगर मैं सल्फर की बात करूं तो पहले तो मुझे आपसे एक क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपके साइंस एंड टेक से थोड़ा सा रिलेट करता है। आपने प्रोटीन्स के बारे में पढ़ा है और आपको पता है कि जैसे प्रोटीन्स जो होते हैं उनका बिल्डिंग ब्लॉक क्या होता है, अमीनो एसिड्स, ठीक है। जनरली आप देखोगे अमीनो एसिड्स में नाइट्रोजन कंपाउंड्स होते हैं, सल्फर बहुत कम होता है, लेकिन ऐसे कुछ अमीनो एसिड्स हैं जहां पे सल्फर प्रेजेंट होता है। तो क्या, जैसे एक का मैं एग्जाम्पल आपको बता देती हूँ, सिस्टीन, ठीक है। तो ये आप देखोगे एक है जहां पे आपको सल्फर मिलता है, लेकिन क्या ऐसे है ना, आपको मिलेगा कि शायद आई थिंक 4 अमीनो एसिड्स हैं जहां पे आपको सल्फर मिलता है। तो क्या आप, मैंने एक का तो बता दिया आपको नाम, ठीक है, क्या आप मुझे 3 और वो अमीनो एसिड्स के नाम बता सकते हैं जो आप देखोगे बिल्डिंग ब्लॉक है प्रोटीन्स के, लेकिन जिसमें सल्फर आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये तो एक क्वेश्चन हो गया आपके लिए, ओके, तो इसका आंसर आप मुझे जरूर बताएंगे। अब मैं बात करूं सल्फर की, तो सल्फर थोड़ा सा पिक्यूलियर इसलिए है क्योंकि जैसे मैंने आपको वाला क्वेश्चन बताया था ना कि कैसे जो आपके अवशिष्ट चक्र होते हैं, तो उसमें जरूरी नहीं है कि कोई भी एटमॉस्फेरिक कंपोनेंट ना हो, तो वो सल्फर का ही आप एग्जांपल दोगे। सल्फर में क्या हो रहा है, आपको सल्फर डाइऑक्साइड,
H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड, ये वाले कंपाउंड्स भी देखने को मिलते हैं जो आपको वायुमंडल में देखने को मिलेंगे, ठीक है, जो आपके बेसिकली एटमॉस्फेयर में आपको देखने को मिलेंगे। समझ में आ रहा है आपको? तो वैसे तो ये साइकिल अवशिष्ट है, क्योंकि इसका जो स्रोत है, रिजर्वॉयर है, जो जलाशय है, वो तो इसका आप देखोगे भूपरपट्टी है, लेकिन इसका कुछ कॉम्पोनेंट, कुछ हिस्सा जो है वो वायुमंडल में भी जाता है और ये वापस आता है। तो ये आप ये बोल सकते हो कि सल्फर मोस्टली तो अवशिष्ट है, लेकिन थोड़ा बहुत इसके जो कॉम्पोनेंट्स है वो गैसीय चक्र का भी पार्ट बन सकते हैं, ठीक है। अब इसमें भी जैसे फास्फोरस में हो रहा था, वैसे यहाँ पे होगा कि सल्फर जो होगा बेसिकली कुछ रॉक्स में फंसा हुआ होगा, फिर इन रॉक्स का क्या होगा, अपक्षरण होगा, अपरदन होगा, वेदरिंग और इरोजन होगा, फिर ये जो सल्फर है बेसिकली ये मतलब रिलीज हो जाएगा, ठीक है। कुछ आप देखोगे क्योंकि हमारे अमीनो एसिड्स में, जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया, इसका मतलब प्रोटीन्स में, इसका मतलब हमारी बॉडी में, कुछ प्लांट्स और एनिमल्स की बॉडी में भी आपको सल्फर दिखेगा, ठीक है। तो वो जब उनका डेड, जब वो उनकी मृत्यु हो जाएगी, जब वो डेड हो जाएंगे, तो उसके बाद डिकम्पोजिशन की प्रतिक्रिया से भी थोड़ा सा बहुत सल्फर रिलीज होगा, ठीक है। फिर यहां से वही इरोजन होगा, रन ऑफ होगा, ये सल्फर थोड़ा ओशन में जाके बन जाएगा, हो सकता है कि ओशन के नीचे की जो जमीन होती है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ होती है, ये वहां पे जाके फंस जाए, फिर थोड़े टाइम बाद जब ये जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है ये ऊपर आएगी, ये रॉक्स ऊपर आएंगे, उसके बाद वापस से वेदरिंग और इरोजन होगी, और ऐसे आप देखोगे सल्फर का चक्र चलता रहेगा, ठीक है। तो ये मोटे मोटे तौर पे आप देखोगे ऐसे आपका सल्फर का चक्र चलता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देख लो कि जो सल्फर है उसका रिजर्वॉयर जलाशय क्या है, ये तो हमारी मिट्टी या रॉक्स ही होंगे, ठीक है। अब ये रॉक में ना दो तरीके के फॉर्म में हो सकता है, या तो आपका ऑर्गेनिक फॉर्म हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि आपके कोयले में भी हम बात करते हैं ना, कोयल के डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म होते हैं, लिग्नाइट होता है, पीट होता है, फिर आपका ब्यूटुमिनस होता है, एंथ्रेसाइट होता है। हम बोलते हैं जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो कार्बन का कंटेंट बढ़ता है और जो आपकी इम्प्यूरिटीज होती हैं वो कम होती हैं, और एक मेजर इम्प्यूरिटी जो आपको कोयले में देखने को मिलती है वो कौन सी होती है, सल्फर। हम इंडिया में बोलते हैं ना कि इंडिया का जो कोल है, ठीक है, उसमें क्या होता है, आपको सल्फर कंटेंट कैसा मिलता है, ज्यादा मिलता है, कम मिलता है, चलो ये भी बताना, ठीक है। मुझे बताना आप कि इंडिया में जो हमारा कोयला आता है उसमें ऐश कंटेंट कैसा है, ज्यादा है या कम है, और सल्फर कंटेंट कैसा है, ज्यादा है या कम है, ठीक है। तो वो वाली चीज है। वैसे आप जो कच्चा तेल यानी क्रूड ऑयल के बारे में बात करते हो, उसमें भी आपको पता है कि जितना सल्फर होगा उतनी ज्यादा इंप्योरिटी होगी, उतना ज्यादा काले कलर का क्रूड ऑयल होता है आपका, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हमारा जो सल्फर है वो आपको ऑर्गेनिक फॉर्म में भी मिल सकता है, मतलब ये ऐसे आप देखोगे ईंधन जो ऑर्गेनिक चीजों से बने हैं, ठीक है, थीके? या फिर आपको इनऑर्गेनिक फॉर्म जो होता है ना, अपने सल्फेट रॉक, पाइराइट रॉक, इनके फॉर्म में भी मिल सकता है, ठीक है। वापस से ये रिलीज कैसे होगा भाई, जब इनका अपक्षरण होगा, फिर आपका इरोजन यानी अपरदन होगा, फिर या तो डिकम्पोजिशन होगा हमारी खुद की बॉडीज का, ठीक है, और ये कहाँ पे रिलीज चला जाएगा, या तो टेरेस्ट्रियल में या फिर एक्वेटिक इकोसिस्टम में, ठीक है। मैंने ये बता दिया आपको कि ये मोस्टली सेडिमेंट्री है, लेकिन इसके कुछ कॉम्पोनेंट्स आपको गैसीय प्रकार के भी मिलेंगे। इनफैक्ट आपका जो वॉल्केनिक इरप्शन होता है ना, उससे बहुत मेजर मात्रा में आपका सल्फर जो है आपके वायुमंडल में ऐड होता है। इनफैक्ट आपको याद है मैंने आपको कुछ क्लासेस पहले एक कॉन्सेप्ट बताया था एक्सटिंक्शन का, विलुप्त होने का, और मैंने आपको बताया था कि हमारे यहाँ पे 5 ऑलरेडी बड़े बड़े इवेंट्स हो चुके हैं एक्सटिंक्शन के, उसमें से एक इवेंट जो था ना उसका कारण था एक मेजर वॉल्केनिक इरप्शन, ठीक है। वॉल्केनिक इरप्शन जब होता है, ठीक है, तब आप देखोगे बहुत सारी गैसेस बाहर निकलती है। इनफैक्ट आप देखोगे कि ये आपका जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है ना, जो आपका पर्यावरण परिवर्तन हो रहा है, इसमें एक कहीं ना कहीं आप ये देखोगे कि एक कॉन्सेप्ट होता है, जब आप एटमॉस्फेयर पढ़ते हो, वायुमंडल पढ़ते हो अपने ज्योग्राफी में, तो आप पढ़ते हो कि उसमें लेयर्स होती हैं, ठीक है। सबसे पहली लेयर जो हमारी जमीन से बहुत नजदीक होती है वो होती है ट्रोपोस्फेयर, ठीक है। फिर उसके ऊपर होती है आपकी स्ट्रेटोस्फेयर, फिर उसके ऊपर होती है आपकी मीजोस्फेयर, फिर उसके ऊपर कौन सी होती है, थर्मोस्फेयर, और सबसे ऊपर होती है आपकी एक्सोस्फेयर, करेक्ट है। तो ये सब के बारे में हम डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, लेकिन क्या होता है कि अगर आपका वोल्केनिक इरप्शन ऐसा हुआ जिसमें आपका जो वोल्केनो था वो ट्रोपोस्फेयर तक ही गया, ठीक है, तो अगर यहाँ पे सल्फर गया तो यहाँ पे तो वो ग्रीन हाउस गैस का काम करेगा, मतलब आपकी ग्लोबल वार्मिंग जो हो रही है, आपका जो अर्थ का टेम्परेचर है वो बढ़ाएगा। लेकिन अगर आपका वोल्केनिक इरप्शन इतना ऊंचा था कि वो बेसिकली स्ट्रेटोस्फेयर तक पहुंच गया, ठीक है, तो यहाँ पे जो सल्फर बनेगा ना, या सल्फर डाइऑक्साइड जब रिलीज होगा तो यहाँ पे क्या होगा, आपका कूलिंग, ठीक है, यहाँ पे फिर वो वार्मिंग नहीं करेगा, यहाँ पे वो टेम्परेचर ठंडा करेगा, ठीक है। ये सब आपके साइंस एंड टेक पोर्शन का पार्ट है, जिसका इंटीग्रेशन आपके ज्योग्राफी से होता है, लेकिन चूंकि यहाँ पे हम सल्फर की बात करें तो मैंने थोड़ा सा यहाँ पे हिंट ड्रॉप कर दिया, ताकि आपको हमेशा याद रहे कि इन चीजों का भी फर्क पड़ता है, कि आपका वोल्केनो का इरप्शन हो भी रहा है तो वो कितनी हाइट पे हो रहा है, ठीक है, क्योंकि कई जगह वो ग्लोबल वार्मिंग का काम करेगा तो कई जगह वो ग्लोबल कूलिंग का भी काम कर सकता है, ठीक है, समझ में आ गया।
तो ये वाली चीज हो जाएगी, ठीक है। इनफैक्ट आप देखोगे जो हमारे वायुमंडल में जो हाइड्रोजन सल्फाइड है, अगर वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो जाएगा तो फिर वो सल्फर डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। अब ये जो सल्फर डाइऑक्साइड है, ये अगेन जो हमारा एटमॉस्फेयर में जब पानी होगा, ठीक है, प्रेसिपिटेशन होगा, तो उसके साथ मिलके क्या करेगा, ये H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड बनाएगा और पानी के साथ नीचे जमीन पे आएगा, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एसिड रेन। अभी एसिड रेन बहुत खतरनाक होती है, ठीक है। इस पे एक प्रॉपर फ्लेजिट क्वेश्चन मेंस का पूछा जा चुका है, आरएस में तो पूछा जा ही चुका है, और भी पीसीएस एग्जामिनेशंस में आप देखोगे मेंस में पूछा गया है कि ये जो एसिड रेन होती है इससे क्या नुकसान होते हैं। देखो एसिड रेन से एक तो हमारी जो मिट्टी है, हमारे जो ओशंस है, हमारे जो लेक्स है, इनके पीएच में इफेक्ट पड़ता है। दूसरी चीज आप देखो कि एसिड रेन हमारे प्लांट्स के लिए हार्मफुल होती है, करेक्ट है ना। तीसरी चीज आप ये देखो, ये जो एसिड रेन है, आपको पता है हमारा ताजमहल ये पीला पड़ने लग गया था, आपके जो बहुत सारे मार्बल के स्टैचूज होते हैं ना, तो वो मार्बल में क्या होता है कि आपके कार्बोनेट्स, कैल्शियम कार्बोनेट वगैरह होता है ना, तो जब वो H2SO4 उस पर पड़ता है तो वो उसको गलाने लग जाता है। तो इसलिए आप देखोगे कि बहुत सारे स्टैचूज में किसी की नाक गायब हो गई, किसी का हाथ गायब हो गया, ठीक है, तो वो सब क्यों हो रहा है, एसिड रेन की वजह से। तो आप हमारे जो मॉन्यूमेंट्स हैं, मॉन्यूमेंट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस है, उनको भी ये खराब कर सकता है, ठीक है। तो ये जो एसिड रेन है ये आप देखोगे हार्मफुल हो सकती है, ठीक है। तो ऐसे आप देखोगे कि सल्फर हमारी कुछ काम की भी चीजें हैं, कुछ आप देखोगे हमें नुकसान भी पहुंचाता है अगर एसिड रेन के फॉर्म में बरसे, लेकिन इसका जो चक्र है वो ऐसे घूमता है, कुछ हिस्सा इसका गैसीय है, कुछ हिस्सा इसका अवशिष्ट में जाता है, ठीक है। और वही जैसे अपना फॉस्फोरस चलता है, वेदरिंग, इरोजन, रन ऑफ, फिर शेल्फ, फिर उसका अपलिफ्टमेंट, ठीक है, तो वो सब चीजों से ये आता ही आता है, और डीकम्पोजिशन, ठीक है। तो ये मोटा मोटी तौर पर आपकी सेडिमेंट्री साइकिल्स थी। ये चैप्टर छोटा सा ही था, तो क्योंकि जो दो साइकिल्स बची थी हमने वही कवर करी है, तो उम्मीद है कि एक तो आपको जो होमवर्क दिया गया है और थोड़े बहुत जो मैंने एक दो क्वेश्चंस आपसे बीच में पूछे उसका आंसर आप जरूर लिखेंगे। एटलीस्ट अगर कमेंट बॉक्स में नहीं लिख रहे हो तो कोई बात नहीं, अपनी कॉपीज में जरूर लिख लेना, ठीक है। हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।